नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शाहरुख खान की मूवी पठान में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर मचे विवाद के बाद सपा नेता ने भगवा को मुसलमानों का हुसैनी रंग बताकर नई बहस छेड़ दी है। और उन्होंने कह दिया है कि जहां भगवा रंग हुसैनी रंग है तो वही पीला रंग मुसलमानों का वारसी कलर है। इस समय पूरे देश में फिल्म पठान में बेशर्म रंग गाने को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण हिंदू संगठनों के निशाने पर है और समूचे देश में फिल्म का विरोध देखा जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन के साथ शाहरुख खान की फिल्म पठान के बहिष्कार की मुहिम छिड़ गई है। और वही इन सब के बीच संभल जिले के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने भगवा रंग को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि भगवा रंग मुसलमानों का हुसैनी रंग है और यही नहीं पीला रंग मुसलमानों का वारसी रंग है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी कलर का रंग पहन सकता है, उसे कौन रोकेगा। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान हो, सलमान या फिर अक्षय कुमार, सभी देश की शान है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कह दिया कि पहले धर्म पर झगड़ा हुआ करता था, वहीं अब रंग पर लड़ाई हो रही है। कि फिल्मों में तरह तरह के रोल होते हैं और उसको हिंदुस्तान के लोग लाइक करते हैं, पिक्चर उसी पे चलती है। और हमारे आर्टिस्टों का, चाहे शाहरुख खान साहब हो, सलमान साहब हो या अक्षय कुमार हो, ये सारे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। अब कलर की, अब पहले नहीं, लोग धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ लिया करते थे, अब कलर पे। तो कलर तो सारे हैं और ये कलर जिस पर लड़ाई हुई तो हमारा है। कौन सा कलर है, नाम क्या है इस कलर का? हुसैनी कलर है भाई। अच्छा, आप इसको हुसैनी कलर कहते हैं लेकिन हिंदू संगठन इसको भगवा कलर कहते हैं। देखिए, यहाँ कलरों पे कोई विवाद नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान में आज़ाद देश है, कोई भी कोई कलर पहन सकता है। मैं भी पहन सकता हूँ। अगर मैं भगवा कलर पहन लूँगा तो मुझे कोई रोक लेगा क्या? मेरे देश का कलर है। तो आप भगवा कलर क्या मानते हैं आप? नहीं, निकाय चुनाव के तैयारियों के बीच संभल पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से भारी तादाद में तैयार शस्त्र, अधबने शस्त्र और इसके साथ ही शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि नखासा थाना इलाके के हसनपुर रोड में मौजूद अतीक के बंद भट्टे का है और जहां पर सोमवार को पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री संचालित होने की सूचना पर छापेमारी की और पुलिस ने मौके से उस्मान उर्फ गुड्डू और शौकीन को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। और आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक रेश चंद्र ने बताया है कि साफ तौर पर कह दिया उन्होंने कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए अवैध सशस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है और मौके से चार बने तमंचे और एक राइफल, दो जिंदा कारतूस, 12 बोर और दो जिंदा कारतूस, 315 बोर और अवैध सशस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया है। मनबड़ अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना नखासा पुलिस द्वारा कल अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जिसमें मनबड़ एवं अभ्यस्त अपराधियों में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम उस्मान उर्फ गुड्डू पुत्र फजले इलाही निवासी हयात नगर एवं शौकीन पुत्र लतीफ निवासी गुम्मत थाना नखासा हैं। इन अपराधियों के पास से चार बने तमंचे, एक राइफल, दो अदद कारतूस, 315 बोर एवं अद बने तमंचे, साथ ही भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लोग के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मतीन खान ने संभल में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों की मुखालिफ है और अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं को दागदार कर रहे हैं। वे योगी आदित्यनाथ से मैच फिक्स कर मैनपुरी सीट जीते हैं और निकाय चुनाव के सिलसिले में संभल पहुंचे मुस्लिम लोग जो लीग है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप सरकार ने बंद कर दी है और मुस्लिमों को क्या योजनाएं चल रही हैं ये अल्पसंख्यक अफसर से पूछे। और बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक की मुखालिफ है, सरकार है और इसके साथ ही अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं को दागदार कर रहे हैं। आजम खां को हरवा कर योगी
आदित्यनाथ से मैच फिक्स कर मेनपुरी सीट जीते हैं। बरेली में शहजिल इस्लाम का पंप जुड़वा रहे हैं और मुसलमानों का वोट लेकर अखिलेश सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के पसमानदा पर कहा कि बीजेपी पसमानदाओं में पसमानदा को बांट रही है और इसके साथ ही निकाय चुनाव पर कहा कि यूपी में 200 सदस्य पद पर मुस्लिम लीग प्रत्याशी लड़ाएंगे। और उधर पठान फिल्म पर उठ रहे रंग के सवाल पर मुस्लिम लीग प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी हरे रंग के खिलाफ है और सारे दरखतों को कटवा कर बीजेपी भगवा कर रही है। आपको कहूंगा कि आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, माइनॉरिटी डे है। मैं आप तमाम पत्रकार बंधु से ये जानना चाहेंगे कि आप ये डीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर है या माइनॉरिटीज के बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि भाई माइनॉरिटीज के अधिकार दिवस है, माइनॉरिटीज की कौन सी योजना चल रही है? क्या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है? क्या महा आजाद फेलोशिप दी जा रही है? महा आजाद स्कॉलरशिप जो 11, 12 के लड़कियों को खास करके तालीम के प्रोत्साहन के लिए माइनॉरिटीज के बच्चों को दी जाती थी, क्या वो दी जा रही है? क्या इस तरह से यूपी सरकार जन सरोकार को लेकर तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसे जिम्मेदारों की लापरवाही ही कही जाएगी कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पा रही हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ठंड से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जिलों में रैन बसेरा स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत संभल जिले में भी रैन बसेरे बनाए गए और संभल सादर में मुरादाबाद मार्ग पर शहर से करीब 1 किलोमीटर फासले पर बनाया गया 51 बेड का शहरी बेघर आश्रम गृह व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में दम तोड़ रहा है। और इसका खुलासा सोमवार को तब हुआ जब जिले के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने ये निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ही उन्हें भले ही व्यवस्थाओं दुरुस्त मिली हो, लेकिन रैन बसेरे का प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लोग यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया है कि रैन बसेरा का प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लोगों को इसके बारे में जानकारी का अभाव नहीं है और इसको लेकर ही ऐसे में अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरे का प्रचार प्रसार कराएं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। और वहीं उन्होंने रैन बसेरे में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त कराने की भी निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसा कि शासन की मंशा है, सर्दियां इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है सर्दी, और सभी जगह पर रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था करनी है। यहाँ संभल का हमने रैन बसेरा आज देखा है, लगभग 50 बेड की यहाँ पर व्यवस्था है। उतनी संख्या में लोग आ नहीं रहे हैं, इसलिए व्यापक इसका प्रचार प्रसार और जगह जगह बैनर होर्डिंग लगा के लोगों को बताने के लिए, ताकि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसे स्थानों पर लोगों को पता हो कि यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था है। सोने के लिए यहाँ पर कंबल, चद्दर, गद्दे, रजाई सब चीज़ें उपलब्ध हैं। केयर टेकर यहाँ पर है और साफ सफाई भी ठीक पाई गई है। सीसीटीवी कैमरा को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी लैप यहाँ पर ना हो। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग पर मौजूद हरियाली बाजार के पास तेज रफ्तार पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत और 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के वक्त वाहन में 9 लोग बैठे हुए थे, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भरा और घायल हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। सामने से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में यह हादसा होना बताया जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बाद अब यूपी के शाहजहांपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते शाहजहांपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में ऑपरेशन पाताल के तहत
81 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने जहरीली शराब, अवैध शस्त्र और जुआरियों के खिलाफ महाअभियान चलाया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में जहरीली शराब और शराब बनाने के उपकरण, अवैध शस्त्र बरामद किए हैं और पुलिस ने कई हजार लीटर जहरीली शराब को भी नष्ट किया है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर इन अपराधियों पर शिकंजा कसा है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसा आप जानते हैं, आगामी ये नगर निकाय के चुनाव हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमारे वरिष्ठ अधिकारी डीजी जोन महोदय और आईजी रेंज महोदय बरेली द्वारा कठोर निर्देश दिए गए हैं कि इस पे प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएँ सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध, ताकि चुनाव सकुशल और शांतिपूर्वक सम्पन्न हो। इसी क्रम में बीते 24 घंटे में जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा 81 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें से थाना खुटार और थाना कोतवाली में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। थाना खुटार से 1 किलो 825 ग्राम अफीम बरामद हुई है एक चारपहिया वाहन से। इसी प्रकार थाना कोतवाली से 250 ग्राम चरस बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त 52 अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध शराब की बरामदगी में कार्रवाई की। यूपी के फतेहपुर में विदेशी धरती पर एचीवर अवार्ड पाने के लिए डेंटल डॉक्टर दंपति का साहू समाज ने फूल माला और प्रतीक चिन्ह के देकर जोरदार स्वागत किया है और कहा है कि विदेशी धरती पर अवार्ड लाने के लिए जिले के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी रोशन डॉक्टर दंपति ने किया है और वो अवार्ड दंत चिकित्सा के रूप में लोगों की सेवा करने को लेकर दिया गया है। फतेहपुर जिले के ही शहर में मौजूद मराइन टोला पुलिस चौकी के पास रहने वाले दंत चिकित्सक पति पत्नी डॉक्टर रविनाथ गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी हरिमता गुप्ता को वियतनाम देश की धरती पर एक संस्था द्वारा अचीवर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर फतेहपुर जिला प्रदेश और देश का नाम रोशन करने पर डॉक्टर दंपति का साहू समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में फूल माला प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और दंत चिकित्सा डॉक्टर रविनाथ गुप्ता ने कहा कि संस्था के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है उनके द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य सेवा करने को लेकर दिया गया है। तो फतेहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जोरदार डॉक्टरों का स्वागत किया गया है। बताया जा रहा है कि अवार्ड मिलने की खुशी में यह स्वागत जो है वो किया गया है, फूल माला पहनाकर यह स्वागत हुआ है। यूपी के फतेहपुर में विदेशी धरती पर एचवर अवार्ड पाने के लिए डेंटल डॉक्टर दंपति का साहू समाज ने फूल माला और प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया है और कहा है कि विदेशी धरती पर अवार्ड लाने के लिए जिले के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी रोशन किया गया है और डॉक्टर दंपति ने ये नाम जो है वो रोशन किया है। यह अवार्ड दंत चिकित्सा के रूप में लोगों की सेवा करने को लेकर दिया गया है। फतेहपुर जिले के शहर में मौजूद मुराइन टोला पुलिस चौकी के पास रहने वाले दंत चिकित्सक पति पत्नी डॉक्टर रविनाथ गुप्ता और उनकी धर्म पत्नी को वियतनाम देश की धरती पर एक संस्था द्वारा अचीवर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर फतेहपुर जिले प्रदेश और देश का नाम रोशन करने पर डॉक्टर दंपति का साहू समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष ने नेतृत्व में ही फूल माला प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दंत चिकित्सक डॉक्टर रविनाथ गुप्ता ने कहा कि संस्था के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है उनके द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य सेवा करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है और वो काफी ज्यादा खुश हैं। देखिए, हम लोगों का जो संगठन है उस संगठन के तहत मैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और मेरी पूरी कोर्ट कमेटी है। इस कमेटी ने हमारे डॉक्टर साहब को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। इसकी वजह है कि हमारे डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी ने हम वियतनाम में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को लगा कि हमारे समाज का और इस फतेहपुर का भी नाम रोशन किया है, इसलिए हम लोगों ने उनको सम्मान किया है। और मुझे लगता है आगे भी जिस तरह से इनकी ये प्रक्रिया चल रही है और आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। मैं डॉक्टर रविनाथ गुप्ता और वाइफ डॉक्टर हेतमा गुप्ता पिछले 17 सालों से यहाँ पर क्लिनिक कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को इन्हीं सब कार्यों के लिए वियतनाम में ले जा करके वहाँ पर सम्मानित किया गया है और जिले से हम लोग को ही सिलेक्ट किया गया है। कमेटी थी जिसके द्वारा हम लोग को सिलेक्ट किया गया है और सम्मानित किया गया है। आज यहाँ पर साहू समाज द्वारा
विशेष कार्यक्रम आयोजित करके हम लोगों को सम्मानित किया गया है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सहारनपुर नगर निगम चुनाव में पूर्व पालिका अध्यक्ष और बसपा नेता इमरान मसूद की पत्नी बसपा उम्मीदवार होंगी और बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष समदुद्दीन राय ने ही सहारनपुर नगर निगम प्रत्याशी को नाम की घोषणा की है और पूरे यूपी में 17 नगर निगम 200 नगर पालिका हैं और आज सहारनपुर नगर निगम के उम्मीदवार के रूप में साइमा मसूद को चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है और अभी तक पहला उम्मीदवार सहारनपुर से ही घोषित किया गया है। आपको बता दें कि राय ने कहा है कि इमरान मसूद का साथ मिलने के बाद बसपा की ओर उम्मीदें बढ़ गई हैं और इस बार निश्चित रूप से कई नगर निगम और नगर पालिका पर बसपा का परचम लहराएगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक इमरान मसूद ने कहा कि इस बार सब कुछ नीला नीला होगा और नीला रंग विजय का प्रतीक है और इस बार सहारनपुर जनपद विशेष तौर पर नीले रंग में ही रंगा हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी से विचारधाराओं का मुकाबला है और जो भाजपा को हराना चाहता है उन्हें बसपा को विजय बनाना होगा और बसपा के इस अलार्म को एक बड़ी आवाज के रूप में देखा जा रहा है। बसपा ने आज सहारनपुर से नगर निकाय चुनाव का आगाज कर दिया है और बसपा की इस घोषणा के बाद इमरान मसूद के बढ़ते कद को साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, बहन जी का आदेश है और बहन जी ने जो विश्वास किया है और सहारनपुर से शुरुआत हुई है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और मैं इसके लिए बहन जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने सहारनपुर के आवाम के ऊपर इतना यकीन किया कि लड़ाई का आगाज़ सहारनपुर से हुआ और इंशाल्लाह यहां से जीतेंगे और आगे तक जीतते चले जाएंगे। सहारनपुर से ही क्यों, अभी तक कहीं और का कैंडिडेट घोषित नहीं किया, केवल सहारनपुर का ही क्यों? ये तो बहन जी का काम है, बहन जी ने ये यकीन सहारनपुर के लोगों पर किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। मतलब बहन जी का जिला है, एक बार फिर वही कहलाना चाह रहा है? हाँ, तो आपको खबर बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राय ने सहारनपुर नगर निगम प्रत्याशी को नाम की घोषणा की है। पूरे यूपी में 17 नगर निगम 200 नगर पालिका है और आज सहारनपुर नगर निगम के उम्मीदवार के रूप में साइमा मसूद को चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है और अभी तक पहला उम्मीदवार सहारनपुर से ही घोषित किया गया है। बता दें आपको कि राय ने कहा है कि इमरान मसूद का साथ मिलने के बाद बसपा की ओर उम्मीदें बढ़ी हैं और इस बार निश्चित रूप से कई नगर निगम और नगर पालिका पर बसपा का परचम लहराएगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक इमरान मसूद ने कहा कि इस बार सब कुछ नीला रंग का होगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीला रंग विजय का प्रतीक है और इस बार सहारनपुर जनपद विशेष तौर पर नीले रंग से ही रंगा हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के विचारधाराओं का मुकाबला है और जो भाजपा को हराना चाहता है उन्हें बसपा को विजय बनाना होगा और बसपा के ही इस अलार्म को एक बड़े आवाज के रूप में देखा जा रहा है। और बसपा ने, आपको बता दें कि सहारनपुर से ही नगर निकाय चुनाव का आगाज कर दिया है और बसपा की इस घोषणा के बाद इमरान मसूद के बढ़ते कद को साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के टुंडला में आज मंगलवार को, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गोमाता सेवा महासंघ का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है और इस मौके पर गोवंशों से लोगों को होने वाले फायदों के संबंध में जागरूक किया गया और हर संपन्न व्यक्तियों को एक गाय पालने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। जिला फिरोजाबाद के टुंडला में आपको बता दें कि मंगलवार के दिन ग्राम बसई रोड पर मौजूद अवध गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय और इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव महिम ब्रिज किशोर ने गौ माता से लोगों को होने वाले फायदों के संबंध में जानकारी दी है। और वहीं बीजेपी एमएलसी रामपाल ने कहा है कि गोवंश का हमारे जीवन में क्या महत्व है और गोवंश की सुरक्षा को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आवारा गोवंश एक सामाजिक समस्या है और ये कुछ लोगों द्वारा
फैलाई गई है। हर संपन्न व्यक्ति को एक गाय अपने घर अवश्य पालनी चाहिए, क्योंकि गोवंश से अनेकों फायदे होते हैं। और इस मौके पर पूर्व सांसद ओमपाल निडर, तहसीलदार टुंडला संतराज सिंह के अलावा ही बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपको फिरोजाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां पर गौवंशों से लोगों को होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गौमाता सेवा महासंघ को लेकर इसमें जानकारी दी गई है, और इसके साथ ही बताया गया है कि गौवंश से लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं। बता दें आपको कि सेवा महासंघ का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, और इस मौके पर गौवंशों से लोगों को होने वाले फायदों के संबंध में जानकारी भी दी गई, और हर संपन्न व्यक्ति को एक गाय पालने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा गया है। जिला फिरोजाबाद के टुंडला में मंगलवार के ही दिन ग्राम बसई रोड पर मौजूद अवध गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, और इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय और राष्ट्रीय महासचिव महिमा ब्रिज किशोरी ने गौमाता से लोगों को होने वाले फायदों के संबंध में जानकारी दी है। वहीं बीजेपी MLC रामपाल ने कहा है कि गोवंश का हमारे जीवन में क्या महत्व है और गोवंश की सुरक्षा को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उन्होंने कहा है कि आवारा गोवंश एक सामाजिक समस्या है और ये कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई है। हर संपन्न व्यक्ति को एक गाय अपने घर अवश्य पालनी चाहिए, क्योंकि गोवंश से अनेकों फायदे होते हैं। और इस मौके पर पूर्व सांसद ओमपाल निडर, तहसीलदार टुंडला और संतराज सिंह के अलावा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी किशन चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन चंद, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि गौ माता को लेकर यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, और क्या क्या लोगों को जानकारी दी गई है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा, कल अवध गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गौ माता अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ की ओर से, जिसमें बीजेपी के अलावा कई विश्व हिंदू परिषद के और हिंदूवादी संगठन के लोग उसमें मौजूद रहे थे, जिसमें भाजपा विधायक भी थे और अन्य जो गौ माता संरक्षक के जो लोग थे वो भी उसमें मौजूद थे। उसमें खास तौर से वो जो आवारा गौवंश है उनको लेकर जागरूक किया गया लोगों को। उन्होंने कहा था वहां पर जो MLC थे रामपाल सिंह, उनका कहना है कि ये आम जनता की दी हुई समस्या है और ये सरकार की ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो लोग सक्षम परिवार हैं उनको अपने अपने घरों में एक गाय अवश्य पालनी चाहिए, जो कि ये आज जो किसानों के लिए जो मुसीबत बने हुए हैं जो आवारा गौवंश, और इनसे जो अगर एक एक सक्षम व्यक्ति अगर गाय को पालता है तो ये समस्या भी खत्म होगी। और दूसरे जो गाय से जो फायदे होते हैं, जैसे कि गाय के गोबर से कई ऐसी आजकल चीजें बनाई जाती हैं और गौमूत्र वगैरह जो कई काम में आते हैं, इस बारे में लोगों को जानकारियां दी गई। तो और साथ में ये भी कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के जो पदाधिकारी हैं, गांव गांव जाकर अगर लोगों को जागरूक करें, गाय पालने के लिए जागरूक करें, तो ये तो जो किसानों की भी समस्या है वो खत्म होगी। और जो गाय का जो एक महत्व है, जो कि हमारे सनातन धर्म में जो गाय का महत्व है वो भी काफी मतलब जो है उजागर होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से गाय अगर घर घर रहेगी तो उसमें काफी जो बीमारियां हैं लोगों में, तो उससे गाय से जो फायदे होते हैं, और जो महिलाओं के कई ऐसे उन्होंने रोग बताए जो गाय पालने से वो सही हो जाते हैं। जी किशन चंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको फिरोजाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां पर गोवंशों से लोगों को होने वाले फायदों पर जो है जागरूक किया गया है, और इसके साथ ही लोगों को बताया गया है गौ माता घर में रखने से कितना लाभ मिलता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेठी में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जम्मू विकास खंड के सूखी बाजगढ़ गांव पहुंची और जहां पर अमृत सरोवर का निरीक्षण किया, और निरीक्षण के दौरान ही विजय लक्ष्मी गौतम ने ग्रामीण से की वार्ता है और इसके साथ ही सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली है। और राज्य मंत्री ने 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 3 शिशुओं का आनंद पाषण करवाया है, और इसके साथ ही PM आवास के लाभार्थियों को चाबी वितरित किए और मनरेगा
नोएडा में पूरे 100 दिन मजदूरी के कार्य पूरे करने के लिए भी मजदूरों को प्रतिज्ञा पत्र देकर सम्मानित किया है। राज्य मंत्री के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि सरकार के मन अनुसार कार्य करें और शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं को जनता तक जरूर पहुंचाएं। इटावा में सफारी पार्क में तेंदुआ पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे तेंदुआ पकड़ा गया है और वहीं इससे पहले भी तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। चित्रकूट के रानीपुर में बंद रेंज में ही छोड़ने के लिए तेंदुआ लाया गया और इसके बाद ही बता दें आपको कि इटावा सफारी पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक कुमार निवेश को अगुवाई में एक टीम तेंदुआ को छोड़ने के लिए गई है। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर तेंदुआ का दहशत देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि सफारी पार्क में ही ये तेंदुआ पकड़ा गया है। करीब बताया जा रहा है कि 3 बजे के करीब ये तेंदुआ पकड़ा गया है। तेंदुआ देखने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत देखने को मिली है और सफारी पार्क की यह घटना बताई जा रही है। बता दें आपको कि इटावा में सफारी पार्क में ही ये तेंदुआ पकड़ा गया और ये भी जानकारी सामने आई है कि करीब 3 बजे तेंदुआ पकड़ा गया है। वहीं इससे पहले भी तेंदुआ पकड़ा जा चुका है, मतलब ऐसी घटना पहले भी आ चुकी है और चित्रकूट के रानीपुर बंद रेंज में छोड़ने के लिए तेंदुआ ले जाया गया है। बता दें आपको कि इटावा के सफारी पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक कुमार निवेश को ही अगुवाई में एक टीम तेंदुआ को छोड़ने के लिए गई हुई है, जिसके बाद अब तेंदुआ को फिलहाल पकड़ लिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।